हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मैचस्टिक से रिलेटेड आइडिया शेयर करने के लिए कहा था, तो बस इस वीडियो के जरिए मैंने उनकी ही फरमाइश को पूरा करने की कोशिश किया है। होप सो ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपकी कुछ स्पेशल क्वेरी है, आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके रहूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसे ट्राई करूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया है नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने इस DIY के लिए यहाँ पर मैं ये प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर रही हूँ। ये जब हम वुड को ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके के कंटेनर में हमें सीव होता है, और ये मेरे पास ये बूल है तो इससे ही हम अपना DIY करें। इस तरीके से कंटेनर के अराउंड हमें बूल को रैप करते जाना है, और थोड़ा इसमें ग्लू का भी यूज़ मैंने किया है। पहली रो में ही ग्लू का यूज़ किया था, और अब इसे फटाफट हम इस तरीके से रैप करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत स्पेस आता है, इनके बीच में गैप है, तो आप उसे ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे दो कलर में बनाऊँगी, एक मैं रेड कलर से और एक मैंने येलो कलर आपको पहले दिखाया था तो उसका यूज़ करूँगी। आप चाहो तो सिंगल कलर का भी यूज़ करो। इस तरीके से यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही कलर का यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि येलो कलर की ही भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास वूल कम था। अगर आपके पास भी ऐसा है तो आप मल्टी कलर का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो सिंगल कलर में भी रख सकते हो। ये टोटली ऑप्शनल है, आप जैसा भी करना चाहते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस तरीके से इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने अच्छे से वूल को रैप कर दिया है, अपर पोर्शन को मैंने छोड़ दिया है। आप देख सकते हो इनके बीच में गैप भी नहीं है और अच्छे से ये रैप हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, ये मेरे पास वायर है जिसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी ताकि ये हैंडल में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से इसकी शेप को मैंने चेंज कर दिया। अब वूल को हम इस तरीके से कई राउंड फोल्ड कर लेंगे कि हम हैंडल पे इसे रैप करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा ही वूल लगता है क्योंकि मुझे लग रहा था कि वूल इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने दो वूल लिया, वरना मैं सिंगल कलर में ही प्लान कर रही थी इसे बनाने के लिए, बट हो गया, सिंगल कलर में ही बन गया। इस तरीके से इसके एंड पर टाइटली नॉट बनाने के बाद अब इसके अराउंड में रैप करती जाऊंगी। पोर्शन को हमें अच्छे से वूल से कवर करना है क्योंकि गैप आएगा तो वो अच्छा नहीं लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी। इसे रैप करने के बाद अब इसे हमें इस तरीके से फिक्स करना है, और अब ये जो खाली वाला पोर्शन है इसको भी मैं वूल से ही फिल कर लूंगी, और ताकि ये अच्छे से इसका हैंडल इसमें फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मैंने हैंडल को भी इसमें अटैच कर दिया है, और अब ग्लू से मैं इसके एंड पोर्शन को वूल के इस तरीके से स्टिक कर। ये जब ड्राई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपको ये जो वाइट कलर दिख रहा है विजिबल नहीं होगा। तो अभी इस तरीके से इसका लुक आया है, और अब इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं मिरर को इस तरीके से स्टिक कर लूँगी। फैब्रिक ग्लू से इस तरीके से स्टिक करने का बेनिफिट ये रहता है कि जब ये ड्राई होगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे मिरर को स्टिक कर लूँगा। कुछ भी नहीं है कि इसे मिरर से ही डेकोरेट करना है, आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास मिरर था तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो इस तरीके से टॉप पोर्शन पे मैंने मिरर को स्टिक कर लिया है, और बॉटम पर भी मैं इसी तरीके से मिरर को स्टिक करूँगी। तो इस तरीके से टॉप और बॉटम पोर्शन पर मैंने मिरर को स्टिक कर दिया है, और मेरे पास ये मैच स्टिक है तो इसी से मैं इसे डेकोरेट करूँगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था मैच स्टिक से कोई DIY करने के लिए, तो आज मैं उन्हीं के लिए ये DIY बना रही हूँ। इस तरीके से मैच स्टिक को मैं हाफ में कट कर लूँगी। सीजर सारे ही पीस को हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मैच स्टिक को कट कर लिया है, और अब इसे मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक फ्लावर का पैटर्न बना रही हूँ, तो इस तरीके से बड़े छोटे मैच स्टिक को जो हमने कट किया है, कुछ बड़े साइज़ में कट किए हैं और कुछ छोटे साइज़ में, तो उसे मैं इस तरीके से अरेंज कर कि अच्छा सा फ्लावर का शेप आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे स्टिक कर लिया है, और बाकी को भी हम इसी तरीके से मैच स्टिक के बड़े और छोटे में इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। इसे बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो हमने ये मैच स्टिक लगाई है उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है,
इस तरीके से एक फ्लावर का पैटर्न बना। इस तरीके से इसके अपर पोर्शन पर मैंने मैच स्टिक लगा लिया है और अब बॉटम पर भी मैं इसी तरीके से मैच स्टिक को लगाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे पर मैच स्टिक को लगा लिया है और अब इसे थोड़ा सा हम और डेकोरेट करेंगे। तो इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से गोल्डन बॉल चेन लिया है और इसे मैं इसके हैंडल पर रैप कर दूंगी। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही मैं इसे स्टिक करूंगी। इस तरीके से इसके अराउंड रैप कर लेना है और अब इसके एंड को मैं कट कर दूंगी और इसे भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। सेंटर पर मैं डायमंड शेप के मिरर लगाऊंगी तो इसे भी मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूंगी। इस तरीके से हमारा ये DIY रेडी हो गया है और इसे मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी ताकि जो ये हमने ग्लू लगाया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अब हमारी बास्केट अच्छे से ड्राई हो गई है और आप देख सकते हो जो ग्लू हमने अप्लाई किया था वो अब दिख नहीं रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके टॉप पोर्शन को भी मैं हाइड करूंगी। ये जो वाइट कलर दिख रहा है इसको भी मुझे हाइड करना है। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से ब्रेड रेडी किया है। मैंने भूल से ही इस तरीके से ब्रेड बनाया है और इसे मैं इस पर स्टिक कर लूँ। पोर्शन पर इस तरीके से ब्रेड को स्टिक कर दिया है। मैंने इसके हाफ हाफ में स्टिक किया है क्योंकि बीच में हैंडल आ रहा था। तो इस तरीके से हाफ पोर्शन में इधर और हाफ पोर्शन में इस तरीके से स्टिक किया है और अब मैं इसको भी हाइड करूँगी। ये वाइट वाइट सा दिख रहा है तो ये ख़राब लग रहा है। तो इसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन चेन लिया है इस तरीके से। आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप उसको स्टिक कर सकते हो। मेरे पास ये गोल्डन चेन थी तो मैं इसे लगा रही हूँ और सेम फैब्रिक ग्लू से ही हमें इसे स्टिक करना है। फैब्रिक ग्लू जब आपको पूरे इस DIY में फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करना है क्योंकि अगर आप फेविकोल का यूज़ करोगे तो बाद में मार्क विजिबल होंगे, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ड्राई होने के बाद। बट फैब्रिक ग्लू एक अच्छा ऑप्शन है इस तरीके से। अगर ग्लू थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ है तो वो विजिबल नहीं होगा ड्राई होने के बाद। इस तरीके से मैंने स्टोन चेन को लगा लिया है और अब ये गोल्डन स्टोन चेन है और अब मेरे पास ये वाइट स्टोन चेन है। तो इसे मैं जो डायमंड शेप के मिरर हैं उसके अराउंड स्टिक करूंगी। इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है और अब इसे मैं अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दूँ। तो अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है और ग्लू भी हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसे आप किस तरीके से स्टाइल कर सकते हो, इसमें आप पोथोस लगा सकते हो, पोथोस लगा के हैंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हो, या स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम इसमें रख सकते हो। मैं जैसे करने वाली हूँ, मैं तो इसमें अपने लड्डू गोपाल को रखूँगी क्योंकि जब हमें कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो मैं उनको साथ में लेकर जाती हूँ। तो मैं यहाँ इसमें लड्डू गोपाल को रखूँगी। और जो मेरी सब्सक्राइबर ने ये डिमांड किया था तो बनने के बाद मुझे लगा कि इसे मैं इस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। तो थैंक यू। आप बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। नेक्स्ट DIY में जो मैच स्टिक को हमने कट किया था उसी का ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इस तरीके से मैंने कट किया है। आप किसी भी टाइप का शेप ले सकते हो, फिलहाल मैंने तो ये शेप लिया है। ये जो मैच स्टिक को हमने कट किया था इसको मैं स्टिक करूँगी। तो इस तरीके से पूरे सरफेस पे इसे स्टिक कर लेना है। आपको ध्यान रखना है जो बड़ा पीस छोटा पीस उसके हिसाब से ही स्टिक। इस तरीके से बड़े छोटे के फॉर्म में मैं अरेंज कर लूँगी इन्हें। तो इस तरीके से मैंने सारे मैच स्टिक को लगा लिया है। इसमें से कुछ को मुझे छोटा भी करना पड़ा तो आप इसका ध्यान रखना। इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास पिन है। ये जो ज्वेलरी का सामान हम लाते हैं वाली ही पिन है। मुझे नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, आप देख लो इस तरीके से है। तो इसे मैं इस तरीके से मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है, इस पर लूप बना लिया है प्लायर की हेल्प से और इसके बैक साइड में मैं इसे स्टिक कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही मैं इसे स्टिक कर रही हूँ और बैक साइड में मैं एक पेपर को इस तरीके से लगा दूँगी इसको हाइड करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने लूप को लगा लिया और बैक साइड में इस तरीके से पेपर को स्टिक कर दिया है और अब ये हैंगिंग के लिए है तो इसे मैं इस पर लगा लूँ। तो पेंट करने के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हो, मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से कर रही हूँ। आगे और पीछे दोनों साइड हमें अच्छे से पेंट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक साइड में मैंने अच्छे से पेंट कर लिया है और अब ये ड्राई भी हो गया है। तो ये मेरे पास स्टोन चेन है तो इसके साइड्स पर मैं इसे लगाऊंगी। तो इस तरीके से अरेंज करते हुए मैं स्टोन को लगा लूँ, होगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, मैं इस पर स्टोन लगाऊंगी। तो ये मेरे पास पिंक कलर का स्टोन है। आपके पास जो भी ऑप्शन है आप वो लगा सकते हो।
तो मैं इसके सेंटर पर स्टोन लगा, तो इस तरीके से सेंटर पर मैंने बड़े साइज का स्टोन लगाया है पिंक कलर का। और ये जो ग्लू आपको दिख रहा है ये अच्छे से मैं इसे ड्राई होने दूंगी, ड्राई होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और मैं तब आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। इयरिंग भी हमारी अच्छे से ड्राई हो गई है और ग्लू ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसका फाइनल लुक इस तरीके से आ रहा है। दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर कैसा लगा आपको ये आइडिया। मिलती हूँ एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।